हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो क्रोशेट शॉल ट्यूटोरियल है, जिसमें एक बहुत ही सिंपल सा क्रोशेट शॉल का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी है ये बनाने में। इससे पहले भी कई शॉल कंप्लीट मैं आपको बनाकर बता चुकी हूँ, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ईजी पैटर्न है ये। तो बिगिनर्स के लिए मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसको बनाने के लिए 2 प्लाई की ऊन के साथ 10 नंबर का क्रोशिया हुक मैंने लिया हुआ है। आप अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की कोई भी ऊन किसी भी कलर में ले सकती हैं। और क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो कम से कम 300 से 350 ग्राम ऊन आपको इसके लिए चाहिए होगी। बाकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना बनाना चाहेंगी। वैसे रो की काउंटिंग के हिसाब से अगर मैं इसकी लंबाई बताऊँ आपको, तो कम से कम 32 इंच आपको इसकी लंबाई जो है वो रखनी चाहिए। मेरे ख्याल में 32 से 36 तक इसकी लंबाई काफ़ी अच्छी, मतलब एक शॉल बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो लगे कि किसी के साथ शेयर भी करनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और साथ में जो घंटी का निशान आता है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लीजिएगा। उसी से मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मैजिकल रिंग बनाना है। तो उनको इस तरीके से पकड़ेंगे हम। ये देखिए, 10 नंबर का क्रोशिया हुक मैंने इसके साथ लिया हुआ है। 2 प्लाई की ऊन है ये। अपनी फिंगर्स पर इस तरीके से ऊन को लपेटेंगे और नीचे वाली ऊन को उठाकर पीछे वाली ऊन को आगे लेकर आएंगे, और इस तरीके से एक रिंग हमारा यहाँ पर बन जाएगा। इसको मैजिकल रिंग कहते हैं। अब इसके ऊपर हमें 3 चेन बनानी है, जो कि हमारा 1 डबल क्रोशिया की गिनती में आ जाएंगी। ये 3 चेन हो गई। अब क्रोशिया के ऊपर ऊन को लेंगे, रिंग के बीच में से क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लाकर पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। ये 1 डबल क्रोशिया बनता है। ये एक और मैंने बना लिया है। तो 3 चेन को मिलाकर ये 3 काउंट होंगे। अब इसके बाद में 2 चेन हम बनाएंगे। ये 2 हो गई। यार्न ओवर करेंगे, रिंग में क्रोशिया डालेंगे और ऊन को आगे लाकर पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया फिर से हमें बना लेने हैं यहाँ पर। ये 2 हो गए और ये 3। ठीक है, 2 बार हमने 3 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब फिर से 2 चेन का स्पेस देंगे, यार्न ओवर करेंगे और 3 डबल क्रोशिया और इसी रिंग में से हम बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं 3 बार, और बीच में 2 चेन का स्पेस रखा है 2 बार। ठीक है, और ये फर्स्ट रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अभी देखिए, जो धागा है इसको, ये निकल गया है मेरा, तो इसको बीच में से नीचे की तरफ लेना है और इसको खींच देंगे हम इस तरीके से। टाइट हो जाएगा ये, और ये इतना फर्स्ट रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले इस पीस को हम टर्न करेंगे, चेन नहीं बनाएंगे यहाँ पर। अब ये देखिए, 1 चेन हमारी क्रोशिया में है। दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे, और ये 2 चेन का स्पेस है, इसमें क्रोशिया डालकर 1 स्लिप स्टिच और हम करेंगे। 3 स्लिप स्टिच हमने कर दिए हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे, और ये 3 चेन हमारा 1 डबल क्रोशिया की गिनती में आएगी। अब यार्न ओवर करेंगे और इसी 2 चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब 2 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और इसी 2 चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक शैल बन जाएगा। ये सेकेंड रो का हमारा फर्स्ट शैल है। इसमें हम अपने शॉल को एक ट्रायंगल वाली शेप देंगे। तो ये देखिए आप, ये एक शैल हमारा बन गया है। नीचे जो हमने 3 3 डबल क्रोशिया 2 बार बनाए थे, वो भी एक शैल था, और उसके ऊपर सेम इसी तरीके से एक शैल और हमने बनाया है। ये हमारी राइट साइड होगी और ये हमारी लेफ्ट साइड होगी, जिसमें हम 3 3 डबल क्रोशिया को लेंगे और बीच के 2 चेन स्पेस में फिर से 1 शैल बनाएंगे। ठीक है, तो 2 शैल हमें यहाँ पर बनाने हैं, और दोनों के बीच में 3 चेन का स्पेस हम देंगे, 1 2 3। ये हमारा स्पेस हो गया। अब हम दूसरा शैल बनाएंगे, इसके लिए यार्न ओवर करेंगे और दूसरी साइड के चेन स्पेस में से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो हमारा दूसरी साइड का शैल भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और 3 डबल क्रोशिया और इसी चेन स्पेस में से हमें बनाने हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो कमेंट ज़रूर करें। ये देखिए, इस तरीके से हमारा सेकंड रो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने दोनों साइड पर एक एक शैल बना दिया है। ठीक है, अब इसी के ऊपर हमें अपना डिज़ाइन डालना स्टार्ट करना है। ये हमारी राइट साइड के शैल चलते रहेंगे एक के ऊपर एक, और इसी तरीके से लेफ्ट साइड में एक के ऊपर एक शैल हमें बनाते रहने हैं। काम सेम यही करना होगा, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए इस पीस को फिर से हम टर्न करेंगे।
और ये एक चेन क्रोशिया में है। दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक स्लिप स्टिच करेंगे। अभी टू चेन का स्पेस आ गया है, इसमें हम एक स्लिप स्टिच करेंगे और अपने थर्ड रो का पहला शैल हम बनाएंगे। जैसे हमने नीचे ये दो शैल बनाए हैं, ऐसे ही हमें यहाँ पर एक शैल बनाना है। तो एक बार और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। एक तीन चेन हमने बना ली हैं, एक डबल क्रोशिया की गिनती में आती हैं, दूसरा डबल क्रोशिया बनाया है, अब इसके बाद में तीसरा डबल क्रोशिया बनाया है। तीन डबल क्रोशिया हो गए जैसे हमने नीचे बनाए थे, एक साइड में तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चेन और तीन डबल क्रोशिया और इसी स्पेस में से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे जितनी भी बार मुझे ये शैल बनाने हैं वो मैं बनाकर नहीं दिखाऊंगी, तो काम सेम यही करना होगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना रहे, ठीक है। अब ये देखिए तीसरे रो का पहला शैल हमने यहाँ पर बना लिया है। अब इसके बाद में हम अपना डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो जो डिज़ाइन का हमारा रो है ये फर्स्ट रो काउंट करूँगी मैं यहाँ से। तो इसमें हम पहले पाँच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। अभी देखिए ये हमारा तीन चेन का स्पेस हमने बनाया था सेकंड रो में, इस स्पेस के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले। अब इसके बाद में पांच चेन बनाएंगे। अब इसी चेन स्पेस के ऊपर एक बार और सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे हम इसी के बराबर में। अब इसके बाद में फिर से पांच चेन बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रो का एक बार का पैटर्न बन जाएगा और ये देखिए इस तरीके से ही दिखाई देगा। तो शैल को बनाने के बाद में हमने यहाँ पर पांच चेन बनाई हैं, उसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन किया है, फिर पांच चेन बनाई हैं, फिर सिंगल क्रोशिया किया है और फिर पांच चेन बनाई हैं। अब दूसरी साइड का शैल हम बनाएंगे जिसमें तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। तीन रो कम्प्लीट हो गए हैं मेरे। अब इसके बाद में अपना चौथा रो स्टार्ट करेंगे। तो पीस को पलटेंगे और एक चेन क्रोशिया में है और हर एक रो की तरह इस रो को भी स्टार्ट करेंगे हम। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक स्लिप स्टिच, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक स्लिप स्टिच और चेन स्पेस में एक स्लिप स्टिच। अब इसके ऊपर शैल बनाऊंगी मैं, तो वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए शैल बना लिया है मैंने, फोर्थ रो का पहला शैल हमारा बन गया है। ये इसी तरीके से चलते जाएंगे हर एक रो के ऊपर, इसका आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए इसके बाद में हमने पाँच चेन बनाई थी अपने पिछले रो में, यहाँ पर हमें तीन चेन बनानी है। अभी जो पाँच चेन बनी हुई है नीचे, इस पर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करेंगे। अब इसके बाद में पांच चेन बनाएंगे। ये डिज़ाइन का हमारा सेकंड रो है, तीन रो में ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए पांच चेन स्किप करेंगे हम नीचे वाली और दूसरी साइड की जो पांच चेन है इस पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इसके बाद में तीन चेन बनाएंगे, तो ये दूसरे रो का पैटर्न हमारा यहाँ पर कम्प्लीट हो गया। इस तरीके से ही दिखाई देगा। ये देखिए तीन चेन, उसके बाद में सिंगल क्रोशिया, फिर पाँच चेन, फिर सिंगल क्रोशिया और फिर तीन चेन। अब दूसरी साइड का शैल बना लेती हूँ मैं। ये देखिए दूसरी साइड का शैल मैंने कंप्लीट कर लिया है और चार रो हमारे इस तरीके से ये बन गए हैं, जिसमें से सिर्फ दो ही रो हमारे डिज़ाइन के हैं और उसमें जो नीचे हमने दो रो बनाए थे ये हमारी शॉल को स्टार्ट करने के लिए थे, ठीक है। अब इसके बाद में हम अपना फिफ्थ रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें फिर से पीस को टर्न करना है और सेकेंड डबल क्रोशिया के ऊपर एक स्लिप स्टिच, थर्ड डबल क्रोशिया के ऊपर एक स्लिप स्टिच और फिर चेन स्पेस के ऊपर एक स्लिप स्टिच। अब इसके ऊपर हम शैल बनाएंगे, तो ये बना लेती हूँ मैं। ये देखिए शैल मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में हम यहाँ से फिर से तीन चेन बनाएंगे। फर्स्ट रो में हमने पांच चेन बनाई थी पहले, सेकंड रो में तीन चेन बनाई थी और थर्ड रो में भी हमें पहले तीन चेन बनानी है। अब इसको ये जो पहली वाली हमारी तीन चेन है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इसके आगे हमें एक शैल बनाना है, तो हम यहाँ से यार्न ओवर करेंगे और ये जो पांच चेन का स्पेस है हमारा इसके ऊपर हम यहाँ नौ डबल क्रोशिया अपने बनाएंगे, तो हमारे यहाँ पर एक शैल बन जाएगा बीच में। इससे पहले जो मैंने शॉल बनाए थे उनके डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार मेरे चैनल को ज़रूर ओपन करें और मेरे बाकी काम को भी देखें। आपको मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, इतना मुझे यकीन है। तो ज़रूर चैनल पर विज़िट करें और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए नौ डबल क्रोशिया मेरे यहाँ पर पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद में जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया था तीन चेन के बाद में, ऐसे ही अब हमें शैल के बाद में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद में तीन चेन बनानी है, एक दो तीन। अब ये देखिए तीसरा रो हमारे डिज़ाइन का कंप्लीट हो गया है और यही तीन रो हमें बार बार रिपीट करने हैं। ये तीन चेन बनाने के बाद में
दूसरी साइड का शेल बना लेती हूँ मैं। तो ये शेल बनाकर पांच रो कंप्लीट कर लिए हैं मैंने, जिसमें से हमारे तीन रो डिज़ाइन वाले हैं और दो रो हमने स्टार्टिंग में बनाए थे। तो पहला जो रो हमने डिज़ाइन का बनाया था उसमें हमने पांच चेन बनाई थी, उसके बाद फिर पांच चेन बनाई थी और फिर से पांच चेन बनाई थी। सेकंड रो में हमने तीन चेन बनाई थी, फिर पांच चेन बनाई थी, फिर तीन चेन बनाई थी और थर्ड रो में हमने तीन चेन बनाई हैं, उसके बाद नौ डबल क्रोशे बनाए हैं और फिर तीन चेन बनाई हैं। अब इसी डिज़ाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो अब इसके ऊपर ये डिज़ाइन हमें दो बार डालना है। तो इसके बाद में तीन रो में हम ये डिज़ाइन दो बार डालेंगे, उसके बाद तीन रो में हम ये डिज़ाइन तीन बार डालेंगे। तो अभी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, ये हमें कैसे करना है थोड़ा ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इजी और सिंपल है ये। तो अपना सिक्स रो स्टार्ट करेंगे हम, इसके लिए इसको टर्न करेंगे और जैसे कि हम करते आए हैं अब तक ऐसे ही, दूसरे डबल क्रोशे के ऊपर एक स्लिप स्टिच, तीसरे के ऊपर एक स्लिप स्टिच और चेन स्पेस में एक स्लिप स्टिच। अब इसके ऊपर एक शेल बनाना है हमें। फ्रेंड्स, हमारा काम होता है आपको अच्छे से बताना और समझाना, कोई डिज़ाइन अगर मुश्किल भी होता है तो हमारा ये पहला काम है कि हम उसको आसान करके आपको बताएं ताकि आपको अच्छे से उसको समझ में आ जाए। तो अगर मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, और कुछ भी कमी लगती है तो भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये देखिए शेल मेरा पूरा हो गया है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर पाँच चेन बनाई थी जैसे हमने फर्स्ट रो में बनाई थी, तो सेम फर्स्ट रो वाला काम ही हमें यहाँ पर करना है, लेकिन फर्स्ट रो वाला डिज़ाइन हम यहाँ पर दो बार डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो तीन चेन है इसके ऊपर डालेंगे, उसके बाद दूसरी साइड की तीन चेन के ऊपर डालेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर पांच चेन बनाई हुई हैं, इसको हम जॉइंट करेंगे एक सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ इस वाली चेन के ऊपर। जैसे हमने यहाँ पर तीन चेन के ऊपर अपना पहला रो बनाया था ऐसे ही इस तीन चेन के ऊपर हमें काम करना है। तो एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम, अब इसके बाद में पाँच चेन बनाएंगे। अब इसी के बराबर में सिंगल क्रोशिया के बराबर में एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे। अब इसके बाद में पांच चेन बनाएंगे। तो एक बार का डिज़ाइन हमारा ये कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट रो में हमने इसके बाद में एक शेल बनाया था क्योंकि हमने वहाँ पर एक ही बार डिज़ाइन डाला था। ये देखिए यहाँ पर ये पांच चेन हमारी यहाँ पर आ गई हैं। फिर हमने शेल बनाया था, लेकिन यहाँ पर अब हमें शेल नहीं बनाना है क्योंकि नीचे हमारे पास एक यहाँ पर शेल बना हुआ है। तो इसमें तीन चेन स्किप करके चौथी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर शेल की जगह तीन सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं। अब इस डिज़ाइन को हम दोबारा डालेंगे, ठीक है। तो दूसरी बारी में ये देखिए जैसे हमने यहाँ तीन चेन के ऊपर डिज़ाइन डाला है ऐसे ही दूसरी साइड की तीन चेन के ऊपर हमें ये डिज़ाइन डालना है। तो पहले पाँच चेन बनाएंगे और तीन चेन स्पेस के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब पाँच चेन बनाएंगे, अब फिर से इसी चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब इसके बाद में हम पांच चेन बनाएंगे। तो दूसरी बार का डिज़ाइन भी हमारा यहाँ पर डल जाएगा। ये देखिए ये पांच चेन हो गई हैं और हमारा दूसरी बारी का पैटर्न भी यहाँ पर ये हमने डाल दिया है। अब इसके बाद में हम दूसरी साइड का शेल बनाएंगे। तो जो हमने अपने डिज़ाइन का पहला वाला रो बनाया था उसी रो को वर्क करते हुए हमने यहाँ पर अपना दूसरी बार डिज़ाइन यहाँ पर डालना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने डिज़ाइन को दो बार डाला है। यहाँ पर हमने एक बार डाला था, यहाँ पर हमने दो बार ये डिज़ाइन डाल दिया है इस वाली चेन के ऊपर और इस वाली चेन के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसके ऊपर अपना सेवन्थ रो स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए फिर से हम पीस को टर्न करेंगे, दूसरे स्टिच के ऊपर एक चेन सॉरी स्लिप स्टिच और तीसरे स्टिच के ऊपर एक स्लिप स्टिच और चेन स्पेस में से एक स्लिप स्टिच। अब इसके बाद में शेल बना लेती हूँ मैं। ये देखिए शेल मैंने बना लिया है। अब जैसे हमने डिज़ाइन के दूसरे रो में बनाए थे ऐसे ही हम यहाँ पर तीन चेन बना लेंगे पहले, और ये तीन और ये नीचे पांच चेन है हमारी, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पर पांच चेन बनाएंगे। अब ये देखिए ये नीचे पांच चेन का एक कंगूरे जैसा बना हुआ है, इसको छोड़कर दूसरी साइड के पांच चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद में फिर से तीन चेन बनाएंगे। तो जैसा हमने ये देखिए इस तरीके से जैसा हमने डिज़ाइन का दूसरा रो बनाया था ऐसे ही हमने यहाँ पर दूसरा रो बना दिया है। अब इसके बाद में तीन सिंगल क्रोशिया स्टिच हैं, इसके बीच वाली चेन में बीच वाले स्टिच के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब दूसरी बार का पैटर्न हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो तीन चेन बनाएंगे, अब इसके बाद में पांच चेन है ये हमारी, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इसके बाद में पांच चेन बनाएंगे और दूसरी साइड की जो हमारी पांच चेन है उसके ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। अब इसके बाद में तीन चेन बनाएंगे। तो दो बार हमारे यहाँ पर सेकेंड रो का डिज़ाइन डल गया है, जिसमें हमने पहले तीन चेन बनाई हैं, फिर पांच चेन बनाई हैं, फिर तीन चेन बनाई हैं। अब इसके बाद में दूसरे रो में हमने शेल बनाया था, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया है। उसके बाद में दूसरी बारी का हमने डिज़ाइन
कंप्लीट कर लिया है। अभी ये वाला शेल है दूसरी साइड का, इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए सेवन्थ थ्रो कंप्लीट करके एट थ्रो का पहला शेल बना लिया है मैंने यहाँ पर। अब इसके बाद में तीन चेन हमें बनानी है और ये नीचे हमारी तीन चेन है, इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और ये पांच चेन है हमारी, इसके ऊपर हम नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने अपने डिज़ाइन वाले थर्ड रो में बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी बारी मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ जिसमें हमने दो बार इस डिज़ाइन को बनाया है, ठीक है। इसी तरीके से हमें इस डिज़ाइन की नंबर्स को बढ़ाने हैं ऊपर की तरफ। सबसे पहले हमने तीन रो में एक बार ये डिज़ाइन डाला है, उसके बाद में तीन रो में दो बार ये डिज़ाइन डाला है, इसके बाद के तीन रो में हम इस डिज़ाइन को बढ़ाकर तीन बार कर देंगे। तरीका सेम यही रहेगा जो मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही इजी और सिंपल है। ये देखिए नौ डबल क्रोशे बन गए हैं। अब इसके बाद में ये हमारा तीन चेन है, इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे और ये वही तीन चेन होंगी हमारी जो हमने स्कार्फ को स्टार्ट करने के लिए अपने दूसरे वाले रो में दो शेल के बीच में तीन चेन का स्पेस डाला था, सेम वही स्पेस हमारा ये यहाँ पर आ गया है। और इसी तीन चेन के ऊपर नौवें रो में हमें अपना बीच वाला डिज़ाइन डालना है, ठीक है। तीन बार डिज़ाइन डालेंगे ना हम, तो वो हम बीच में इसी वाली चेन के ऊपर डालेंगे। तो इस चेन को अब हम ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने तीन चेन बनाई है, उसके बाद शेल बनाया है, अभी हमारे यहाँ पर तीन चेन है, तो इसको हम दूसरे वाली जो तीन चेन है उसके ऊपर ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। और तीसरी बारी में हम इसी चेन के ऊपर डिज़ाइन डालेंगे अपना नौवें रो में। अब इसके आगे पांच चेन है, इसके ऊपर नौ डबल क्रोशे बना लेती हूँ मैं। अगर कोई डिज़ाइन ऐसा है जो आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप मुझे वहाँ पर किसी भी चीज़ की पिक शेयर कर सकते हैं। तो जो डिज़ाइन आप मुझे देंगे वो मैं आपको ज़रूर बनाकर बताऊँगी। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होने वाली है वो एक क्रोशे पर्स मैंने बनाया था और वो पर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। उस पर्स के मेरे पास डिमांड आ रही थी कि मैं उसको थोड़ा बड़ा करके बनाऊं, तो नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी के लिए है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। ये देखिए नौ डबल क्रोशे मेरे यहाँ पर कम्प्लीट हो गए हैं। अब ये तीन चेन है हमारी, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे के साथ हम इसको ज्वाइंट कर देंगे और तीन चेन बनाएंगे और लेफ्ट साइड का अपना आखिरी शेल बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इतना पैटर्न ये हमने बना दिया है। और ये देखिए डिज़ाइन का जो हमने थर्ड रो बनाया था इसमें हमने तीन चेन बनाई थी और फिर उसके आगे शेल बनाया था, फिर से तीन चेन बनाई थी और एक बार का हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। इसको हमने यहाँ पर दो बार डाला है, तीन चेन एक शेल और ये बीच में तीन चेन फिर हमने बनाई है और इसी तीन चेन के बाद में फिर हमने शेल बनाया है और उसके बाद तीन चेन बनाई है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इस वाले रो में ये जो तीन चेन है ये तीन बार हैं, एक शुरू में एक आखिर में और एक बीच में। तो अब इन्हीं तीन चेन के ऊपर हम अपना नौवें रो में डिज़ाइन डालेंगे सेम ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर अपने डिज़ाइन के फर्स्ट रो में डाला था, उसके बाद सिक्स्थ रो में डाला था और अब यही डिज़ाइन फिर से हम नाइन्थ रो में डालेंगे जिसमें हम इसको तीन बार डालेंगे, ठीक है, शुरू में बीच में और यहाँ पर आखिर वाली तीन चेन के ऊपर। तो इसी तरीके से इस डिज़ाइन के जो शेल के जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। नीचे हमने एक बार बनाया है, यहाँ पर हमने दो बार बनाया है, इसके ऊपर हम तीन बार बनाएंगे, उसके ऊपर हम चार बार बनाएंगे, उसके ऊपर पांच बार बनाएंगे। तो इसी तरीके से जब आप इसको बनाते जाएंगे तो आपको इसकी कम से कम 32 इंच की लंबाई बना लेनी है। ये देखिए एक बार ये शॉल में मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से हमने डिज़ाइन डालना स्टार्ट किया था, ये हमारा फर्स्ट रो मैंने काउंट किया था और इसके बाद में तीन रो में ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। उसके बाद में फिर तीन रो में हमने दोनों साइड की चेन के ऊपर हमने ये डिज़ाइन डाला है, ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर जहाँ मैंने आपको तीन चेन दिखाई हैं यहाँ पर बीच में हमने तीन चेन डाली थी और एक स्टार्टिंग में है और एक आखिर में है ये वाली, इन तीन चेन के ऊपर हमने तीन बार शेल डाला है, ये आप देख सकते हैं एक दो तीन। अब इसके ऊपर जब हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर देंगे तो हमारे पास चार चेन हो जाएंगी, फिर उन चार चेन के ऊपर हम अपने शेल बनाएंगे, आप देख सकते हैं एक और ये दो और उसके बाद में ये तीसरा शेल और उसके बाद में ये चौथा शेल। तो इसी तरीके से इसके साइज़ को आपको बढ़ाते रहना है, ठीक है। तो इसका नाइन्थ रो भी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ जिससे डिज़ाइन और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए आठ रो हमारे यहाँ पर कम्प्लीट हुए हुए हैं, शेल रह गया है इसका, ये मैं बना लेती हूँ। इसमें हमें तीन डबल क्रोशिया और दो चेन और तीन डबल क्रोशिया स्टिच बनाने होते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने हर बार आपको ये शेल नहीं बनाकर बताई थी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो ये देखिए आठ रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और ये शेल भी कंप्लीट हो गया है। अब इसको टर्न करेंगे हम और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक स्लिप स्टिच, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक स्लिप स्टिच और चेन स्पेस में एक स्लिप स्टिच। अब इसके ऊपर फिर से शेल बनाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा और कोई भी सवाल आपका इस शॉल से रिलेटेड अगर है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए शेल हमारा कम्प्लीट हो गया है, अब इसके बाद में हम पैटर्न के अकॉर्डिंग तीन चेन बनाएंगे।
सॉरी 5 चेन हम यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि हमें अपना यहाँ पर अपने डिज़ाइन के फर्स्ट रो का काम करना है। और इसको हम सिंगल क्रोशे के साथ 3 चेन के ऊपर जॉइन करेंगे। इसके बाद में फिर से 5 चेन बनाएंगे। अब इसको फिर से हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे के साथ जॉइन करेंगे। अब इसके बाद में हम फिर से 5 चेन बनाएंगे। और ये शेल है हमारा, इसके 3 डबल क्रोशे स्टिच छोड़कर चौथे डबल क्रोशे के ऊपर हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, जैसे मैंने अपने 6th रो में आपको बनाकर दिखाए थे। ये देखिए 3 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। अब इसके बाद में फिर से हम अपना डिज़ाइन डालेंगे, 5 चेन बनाएंगे। ये हमारे बीच में चेन का स्पेस अभी मैंने आपको दिखाया था, 3 चेन के ऊपर हम यहाँ पर डिज़ाइन डालेंगे। 5 चेन बनाकर एक सिंगल क्रोशिया, इसके बाद में फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5। अब इसको भी हम इसी चेन के ऊपर जॉइन करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। अब फिर से 5 चेन बनाएंगे। अब ये देखिए आगे शेल है, इसके 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 5वीं चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 6ठी चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 बार हमारा डिज़ाइन यहाँ पर डल गया है। यहाँ पर हमने 5 चेन बनाई हैं, उसके बाद में फिर से 5 चेन और फिर से 5 चेन, फिर 3 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं, उसके बाद में 5 चेन और फिर से 5 चेन और उसके बाद में फिर से 5 चेन, ठीक है। तो इसी तरीके से एक बार और डिज़ाइन डालेंगे हम यहाँ पर, एक चेन और है अभी हमारे पास, तो 5 चेन बनाएंगे, उसके बाद में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 5 चेन बनाएंगे, उसके बाद में सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 5 चेन बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम अपना लेफ़्ट साइड का शेल जो है उसको बना लेंगे। तो है ना बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल। आई होप आपको ये शॉल का डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो चैनल को जब आप सब्सक्राइब करें तो बराबर में जो घंटी का निशान आता है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर आपको क्लिक करना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और ऑल नोटिफिकेशन पर नहीं क्लिक किया है तो भी आप अभी उस काम को कर लें, उसी से मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। ये देखिए एक और एक बीच में और एक शुरू में, ये 3 बार डिज़ाइन मैंने आपको बनाकर बता दिया है। इसी तरीके से ये डिज़ाइन आपको बढ़ाते रहना है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा अगर आपको डिज़ाइन अच्छे से मैं समझा पाई हूँ तो, ठीक है। और कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। कमेंट करने के लिए हम बार बार बोलते हैं क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें हेल्प मिलती है अपने काम को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की, आपके लिए और ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाने की, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।